तो ये आप देख रहे हैं धौलाकुआ का मेट्रो स्टेशन है। आज हम आपको दिखा रहे हैं, आगे देखिए आप धौलाकुआ की तरफ। हम आपको जो बेसिकली धौलाकुआ दिखा रहे हैं, ये जो भी हमारा पूरा जो मल्टीपर्पज़ फ्लाईओवर है, हमारा आज का जो वीडियो में यही हम दिखाएंगे। और ये आप देख रहे हैं किधर साइड में जो है मेट्रो जो एक्सप्रेस है, एयरपोर्ट एक्सप्रेस वाली मेट्रो, और ये जो जा रही है यहाँ से, और उसके उधर जो साइड में है वो एक एस्केलेटर जो इस मेट्रो स्टेशन से आगे जो मोतीनगर वाला मेट्रो स्टेशन है उस पर गई हुई है। तो वहाँ तक आप जो है खड़े होकर जा सकते, जो लोग वॉक नहीं कर सकते, चल नहीं सकते, वो इस पर खड़े हो जाइए। बस ये जो आप देख रहे हो रेड है, ये जो पर्पल कलर वाला है आपका मेजेंटा कलर का है, ये एस्केलेटर है, एक अंदर इसके एस्केलेटर आप खड़े होकर पूरे जा सकते, चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको इसमें। और ये मेनली हम बेसिकली आ गए हैं धौलाकुआ पे। ये मेट्रो जो आपको दिख रही होगी ऊपर, दो मेट्रो दिखाई दे रही होगी, क्रॉस हो रही है, और ये आगे नीचे अंडरपास भी दिखाई दे रहे होंगे। तो ये सारा हम आपको इसमें दिखाएंगे दोस्तों, तो देखते रहिए। आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल रियल टॉक विद मनोज ढाका पे। और आपको पूरा का पूरा ये फ्लाईओवर आज हम दिखा रहे हैं, तो ये देखते रहिए, पूरा का पूरा समझ लीजिए इसको। आगे सामने लिखा हुआ करोल बाग इंडिया गेट, कहाँ से एम्स, तो रास्ते जो है डिवाइड हो रखे हैं, यहाँ से डिवाइडर है, मर्जिंग हो रखे हैं, तो आपको पता लग जाएगा रास्ते किधर किधर गए हुए हैं। तो ये भी देख लीजिए, और बीच में पार्क भी बनाया हुआ है छोटा सा, ये भी आप इधर देख सकते हैं। यानी कि यहाँ पे एक तरह से पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए भी कुछ बनाया है। और ये मेट्रो गई हुई है उधर डिस्ट्रिक्ट सेंटर की तरफ, सॉरी उधर जो मेट्रो गई है वो आपने देखा होगा। और हम जो है यहाँ से यू टर्न ले रहे हैं, एक तरह से घूम रहे हैं, राइट टर्न ले रहे हैं, कहने का मतलब ये इधर इंडिया गेट करोल बाग चले जाएंगे, हम सीधे सीपी चले जाएंगे। और हम जो जा रहे हैं अभी, हम जाएंगे एम्स की तरफ, तो हम नीचे से भी एम्स की तरफ जो है एक बार दिखाएंगे आपको, और यहाँ से भी दिखा देते हैं पूरा एम्स की तरफ हम लोग जा रहे हैं। और ये पूरा देख लीजिए, यहाँ से अगर आपको इंडिया गेट के लिए जाना है तो यहाँ से आप जा सकते हैं इंडिया गेट के लिए, ये लेफ्ट से, और हम सीधे जो है नीचे की तरफ जा रहे हैं। और सामने का नज़ारा कितना खूबसूरत है, आप देख सकते हैं मेट्रो का मिलन, और कई सारे फ्लेवर बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आपको। और हम ये एम्स की तरफ चल रही है, अगर आपको गुड़गांव जाना है तो यहाँ से लेफ्ट लेना होगा दोस्तों, यहाँ से लेफ्ट लेके आगे से आप जो है गुड़गांव के लिए टर्न ले सकते हैं। ये सामने वाला जो फ्लाईओवर है ये गुड़गांव से सीधा सीपी के लिए गया हुआ है, करोलबाग के लिए दोस्तों। ये काफ़ी पुराना है, और बाकी सारे फ्लाईओवर जो है बाद में बने हैं, ये मल्टीपर्पज़ जो है इसमें जोड़ा गया, बाद में बना हुआ है सारा का सारा। ये मेट्रो जो है बाद में बनी है, ये वही एस्केलेटर आ गया जो हम बता रहे थे आपको। और सामने हमारा जो मेट्रो स्टेशन है जिस पर ये एस्केलेटर धौलाकुआ वाले मेट्रो स्टेशन से जा रहा है, उसी पर हम आगे की तरफ जा रहे हैं। तो आगे हमने जो है अभी आगे वाली वीडियो में भी हम नीचे से आएंगे तब भी ये सेम चीज़ आपको दिखाएंगे दोस्तों। और ये सामने वाला मेट्रो स्टेशन आ गया, उस पर आप देख रहे हैं एस्केलेटर यहाँ पे आगे जो है एंड हो जाएगा, इसका ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो हमारा कॉलेज भी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है, आत्मा राम के नाम से जो कॉलेज है, और ये यहाँ से होता हुआ एस्केलेटर यहाँ पे आया एंड इसका। और ये मेट्रो स्टेशन देख लेते हैं दोस्तों, मेट्रो स्टेशन कौन सा है। वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और जो जो भाई मेरे नए हैं चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन के साथ। ये दुर्गा भाई देशमुख साउथ कैंपस का हमारा जो मेट्रो स्टेशन आ गया। तो इसके बाद हमने यू टर्न लिया यहाँ से दोस्तों, और चलते हैं वापस, जो चलते हैं अब हम जा रहे हैं यहाँ से रजौरी गार्डन की तरफ। और ये आप देख रहे हैं फ्लाईओवर पहले वाला जो है मल्टीपर्पज़, जो मैंने बताया था, ये सब रास्ते जोड़ते हैं एक दूसरे से, रास्ते जो यहाँ पे एक चौराहा टाइप है, उनको सभी को आपस में रेड लाइट फ्री ये है, ये आप देख रहे हैं वही वाला एस्केलेटर जिसके बारे में हमने भी बात की थी, आपको बताया था। और अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं इस पर रजौरी गार्डन की तरफ, जो रास्ता जाता है लेफ्ट में, अगर आप जाओगे तो गुड़गांव की तरफ से चले जाओगे, और नीचे की तरफ हम जा रहे हैं वही पुराने वाला फ्लाईओवर फिर से आपका आ गया दोस्तों। तो मेरा जो आज का पर्पज़ था वो था आपको धौलाकुआ आपको पूरी तरह से दिखाने का पर्पज़ था, वो मैंने आपको दिखा दिया। ये आपको सबसे पुराना फ्लाईओवर भी मैंने दिखाया जो आपका सीपी से सीधा आपका गुड़गांव जाता है। तो पूरा मेरे ख्याल से आपने देख लिया होगा, और आपको ये वीडियो अच्छी भी लगी होगी दोस्तों, पसंद आई होगी, तो इसको लाइक शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, बने रहे मेरे इस चैनल पर। बाय।